आकाश, तुम्हारा गुलाब जामुन और आइसक्रीम का कॉम्बिनेशन किलर है। एक और देना जरा। एक और क्या देना, तीन ऑलरेडी खा चुके हैं, और कुछ नहीं मिलेगा। और दिस इज ऑल राइट। पूजा भी बिल्कुल ठीक है, गुलाब जामुन खा रही है। नरेन भाई तो इज आस्किंग फॉर हिज फोर्थ गुलाब जामुन और वीना भाभी एकदम मना कर रही। ऋषि अभी तो गई हो तुम, यहाँ सब कुछ ठीक है, everyone is missing। उसको बोलो कि अपार्टमेंट के लिए महेश बाबानी को कॉन्टेक्ट करे, ठीक है? अच्छा ऋषि लिसन, ओके ओके, शी इज ऑलरेडी स्पोकन टू हिम। स्मार्ट दैट शी इज। चलो तुम आराम करो, तुम थक गई होंगी, ठीक, बाय। मैं क्या सोच रहा था ना कि ऋषि तो अभी है नहीं यहाँ, तो कुछ दिनों के लिए मैं भी माँ के पास चला जाता हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। यस बेटा। हेलो हेलो जी, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्ते मम्मा। हाँ तो बेटे को मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ती है? हाँ वो क्या है ना, ऋषि नहीं है ना, तो मुझे लगा कि थोड़े दिन मेरे बेटे और पोते के साथ गुजार लूं। ठीक किया ना मैंने? ऑफ कोर्स। पूजा पूजा, सही किया ना मैंने बच्चा? ऑफ कोर्स दादी, वैसे भी इतने टाइम से नहीं मिले। हाय मेरी बच्ची। पूजा गेस्ट रूम में इनको ले जाओ। हाँ हाँ, मिलते हैं। मैं बच्चा, चल आजा आजा आजा, बहुत सारी बातें करनी है, आजा। The number you are trying to reach is busy on another line. Please try again later. आप जिस नंबर से संपर्क, किससे बात कर रही है? फुल वो सोनाक्षी मैडम की गाड़ी कहाँ है? पीछे। हाँ नहीं सब ठीक है, अभी जैसे ही ब्रेक मिलेगा ना तो हम दोनों मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कितना बात करती हो यार। किसी को इमरजेंसी होगी तो कैसे कांटेक्ट करेगा तुम्हें? फोन सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए भी होता है मैडम। किन्हीं की आउटगोइंग फ्री है तो बस गॉसिप करते रहो। किससे बात कर रही थी? नेहा फ्रेंड। नेहा को बोलो बाय, बाद में बात करूंगी। लेकिन रोहित मेरी बात अभी। प्लीज इट्स इम्पोर्टेंट, से बाय। नेहा मैं तुझे कल कॉल करती हूँ आराम से। What? Oh. अरे come, it's important. What? टॉस मैं जीता था। हाँ? हाँ, ये देखो टेल्स आया था। जब हमने कॉइन फ्लिप किया तो वो खो गया, राइट? मुझे बाद में मिला तो मैंने देखा कि टेल्स आया था। कॉइन क्या हुआ ना, वो फर के कारपेट पे गिर गया और फर का कारपेट सॉफ्ट होता है, उसकी वजह से आवाज नहीं आई। जब मैंने देखा तो टेल्स था। माय टर्न। तो इसका मतलब कि मेरी टर्न थी बोलने की, तुमने बोल दिया वो कैंसिल, रीस्टार्ट। तुमने तो कहा था कि तुम भी वही कहना चाहते हो जो मैंने कहा। अरे तुम ब्रेक कर, तुम चुप रहो ना, तुम मेरी बात, तुम लोग देख क्या रहो, तू हेल्प करना, तुम बदलो। रोहित क्या कर रहे हो तुम? तुम चुप रहोगी, मेरी बात सुनोगी प्लीज? मैं ये ब्रेकअप नहीं चाहता सोनाक्षी। पता नहीं कैसी फीलिंग्स हैं लेकिन बहुत अच्छी है। आई लाइक इट। तुम्हारे साथ बहुत कंफर्टेबल हूं। तुम मेरी दोस्त हो, बहुत अच्छी दोस्त, आई मीन बेस्ट फ्रेंड, नॉट वो वाला बेस्ट फ्रेंड की अच्छा चिल करते हैं, मूवी देखते हैं, नो, बेस्ट से बेटर फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड, केयरिंग एंड यू नो, जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ जो मेरे मन में है। एक मिनट रोहित, आई थिंक हम लोग डिसीजन ले चुके हैं एंड हम दोनों ने एक साथ मिल के डिसाइड किया है, राइट? सो ब्रेकअप
सही है इस वक्त, लेकिन एंड वैसे भी ये नाटक जितनी देर चलेगा मुझे उतनी तकलीफ ज्यादा होगी। आई मीन तुम्हारी फैमिली को बहुत तकलीफ होगी। मेरी बात तुम राइमा से प्यार करते हो राइट? हाँ तो तुम्हें अपनी फैमिली को सब बता देना चाहिए। हाँ पहले नाराज होंगे बट फिर वो तुम्हारी बात समझेंगे। तुम्हारे दिल में राइमा के लिए जो प्यार कितना है उसे... बोलती हो? मैं तुमसे बात करने के लिए गाड़ी 150 की स्पीड में चलवा के आया हूँ। एंड यू नो आई लाइक टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तुम 2 मिनट बिना कुछ बोले मेरी बात सुन सकती हो प्लीज? You know, मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक्टर्स ना बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड होते, लॉयल नहीं होते, सेंसिटिव नहीं होते और पूरी तरह फेक होते हो। मुझे ऐसा पहले लगता था। ऑब्वियसली तुम्हारे बाद मेरा ओपिनियन पूरी तरह चेंज हो गया है। आई नो एक्टर्स डेडिकेटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और मैं इतना लकी हूं कि मुझे इतनी अच्छी थॉटफुल अफेक्शनेट फ्रेंड मिल गई। सुना तुम कब मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई मुझे पता ही नहीं चला। आई मीन दोस्त से ज्यादा स्पेशल, दोस्त से ज्यादा बहुत ज्यादा। दोस्त से ज्यादा मतलब तुम कितना बोलती हो? चुप रहो ना, एक्ट्रेस हो, जानती हो जब दूसरे लाइन बोल रहे होते हैं तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, मेरा फ्लो टूट जाता है। मैं इतना प्रिपेयर करके आया हूं। पर मैं तो तब से अब मैं ये नाटक और नहीं करना चाहता। तुम्हारी बहुत खास जगह है मेरे दिल में, लाइफ में। मैं जानता हूं मैं रूड हूं कभी कभी, शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, सेल्फिश भी हूं, ओके, पर अब जैसा हूं वैसा ही हूं ना। और मैं जानता हूं कि तुम मुझे लाइक करती हो, नॉट लाइक लाइक लाइक, जस्ट लाइक, यू नो, पर मैं तुम्हें लाइक से ज्यादा, एक मिनट, क्या कहा तुमने? लाइक से ज्यादा मैं उससे पहले लाइक लाइक नहीं करती। हाँ मैं तुम्हें लाइक लाइक नहीं करती। रोहित प्लीज देखो मेरी आंखों में क्या दिखाई देता, बोलो।